हेलो माय लवली फ्रेंड्स, मैं रेखा मल्होत्रा आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल में। और इस बार आपका करवा चौथ बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड रहे, ब्लिसफुल रहे, आप अच्छी हेल्थ में रहें और बहुत ही पूरी तरह से इस फेस्टिवल को एंजॉय कर सकें। मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ तीन टिप्स, जो कि अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको जनरली जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, बिकॉज पूरा दिन भूखा रहना होता है, पानी नहीं पीना होता, तो उसके कारण बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स को हेडेक हो जाता है, एनर्जी लेवल एकदम लो हो जाता है, या गिडीनेस होने लग जाती है, या गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाते हैं। तो वो सब प्रॉब्लम्स नहीं होगी अगर आप इन तीन टिप्स को फॉलो करोगे। तो सबसे पहली टिप ये है कि ईट हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस। यस, सरगी से हमारी करवा चौथ की शुरुआत होती है, तो सरगी में अगर आप दो बनानास और उसके साथ आप इंस्टेड ऑफ वाटर इफ यू हैव नारियल पानी, तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। बनानास बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, फिलिंग होते हैं, तो उससे क्या है कि आपको भूख नहीं लगेगी, जो भी एनर्जी आपको थ्रू आउट द डे चाहिए होती है वो बनानास फुलफिल कर देंगे। और आपको अवॉइड क्या करना है, आपको अवॉइड करना है फ्राइड स्टफ, बिकॉज जब भी हम फ्राइड स्टफ खाते हैं तो उससे हमें प्यास ज्यादा लगती है। और नारियल पानी, एज लाइक वी ऑल नो कि नारियल पानी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है, बहुत ही ज्यादा हमें हेल्थ बेनिफिट्स देता है, तो नारियल पानी भी अगर साथ में पीते हैं तो पूरे दिन की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। तो जो भी हमारे रिचुअल में हमें बोला जाता है, जैसे फेनिया खानी जरूरी होती हैं, तो आप फेनिया भी खा सकते हैं, बट अगेन फेनिया फ्राइड होती है, तो थोड़ी सी फेनिया खा लीजिए और जो भी कोई फ्राइड स्टफ है उसको अवॉइड कीजिए। और जब आपका व्रत पूरा होता है तो आप रूम टेम्परेचर वाटर पीजिए, नारियल पानी पीजिए, और एकदम कुछ हैवी मत खाइए जिससे कि आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो। और सेकेंड स्टेप इज कंजर्व योर एनर्जी, और एनर्जी कंजर्व करने का सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज कि टॉक लेस। ऑफकोर्स लाइक इफ योर प्रोफेशन इन्वॉल्व कि आपको ज्यादा बात करनी है, तो कोशिश कीजिएगा कि 5-5 मिनट का ब्रेक लीजिए, जिसमें कि आप अपनी आंखें बंद करके एकदम रिलैक्स कर सकते हैं अपने आप को। बट अगर आप बात कम करते हैं उससे आपको प्यास भी कम लगेगी और आप ड्रेन्ड नहीं फील करेंगे बिल्कुल भी। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ करवा चौथ इज दैट यू सेट फॉर ध्यान। मेडिटेशन जरूर कीजिए, बेशक आप 5 मिनट कीजिए या 10 मिनट कीजिए, जरूर कीजिए। और उस मेडिटेशन में आप साथ ही साथ मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं, आपके और आपके पार्टनर की बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, लविंग वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा एनहांस हो, उस चीज को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और मेडिटेशन से आप बहुत ही ज्यादा एनर्जी भी रीगेन करेंगे, अगर थोड़ा सा भी आपको लो फील हो रहा है तो आप इंस्टेंटली यू आर गोइंग टू रिसीव ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिससे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि पूरा दिन आपका कैसे बीत गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी यही प्रेयर है कि आपके और आपके पार्टनर की बॉन्डिंग बहुत ही लविंग हो, बहुत ही ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, और आप ऐसे ही करवा चौथ के व्रत रखते रहें, पूरी तरह से एंजॉय करते रहें। यही प्रे करती हूँ, यही ब्लेस करती हूँ, यही विशेस है मेरी। तो आई होप कि आप सब इन टिप्स को जरूर फॉलो करेंगे और नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आप इस बार का करवा चौथ आपके लिए कैसा रहा। और एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपको जो मेरी टिप्स हैं वो अच्छी लगती हैं, तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, जल्दी ही मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। हैव अ ब्लेस्ड एंड ब्लिसफुल करवा चौथ। बाय बाय।